સ્વામીજી અનમ્યુટ કરવું પડશે ત્યાંથી. થઈ ગયું, હવે સંભળાય છે? ઓમ સહનાભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાનામ આલયં કરુણાલયં નમામિ ભગવત્પાદં શંકરં લોકશંકરં શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત્. ઓમ અગલી બાર હમને દેખા નારદજીને, નારદજી પધારે ઓર ઉન્હોને રાજા કે કર્તવ્યો ક્યા ક્યા હોને ચાહીએ, પ્રજા કે પ્રતિ રાજા કા ક્યા ઉત્તરદાયિત્વ હૈ. રાજમ કા અર્થ યે નહીં સિર્ફ સત્તા ભુગતના હૈ, લેકિન જબ હમારે પાસ સત્તા હૈ तो उसके साथ कितने कर्तव्य जुड़े हैं. कर्तव्य है क्या, उत्तरदायित्व है, किस किस के प्रति, मजदूरों के प्रति क्या भाव है, क्या है कर्तव्य, किसानों के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है, व्यापारियों के प्रति क्या कर्तव्य है. यहां तक कि नारद जी ने कह दिया कि जो जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग लोग हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो सब है, और साधु संत हैं, सबके प्रति राजा को पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए. युधिष्ठिर से नारद जी पूछ रहे हैं, क्या आप इस प्रकार से व्यवहार करते हो, क्या आप ये करते हो. ऐसा कर करके पूरा अध्याय हमने देखा. सेना के प्रति क्या भाव होना चाहिए, सैनिकों के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, सेनापति कैसे होने चाहिए, बुजुर्ग के प्रति कैसा भाव क्या करना है. अपने जो गांव में ठीक अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, समाज के लिए जो सेवा करते हो, उनका राजा को सम्मान करना चाहिए, इत्यादि कई चीजें नारद जी ने उसको बताई कि आपको इतना इतना ख्याल रखना है, आपका ये सब कर्तव्य है. जब ये हो गया
उसके बाद में नारद जी ने कहा तब नारद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं और तो हरिश्चंद्र राजा वहां है जिसका सम्मान साक्षात ये कर रहे हैं, इंद्र भी कर रहे हैं। तब जाके युधिष्ठिर ने पूछा कि बहुत सारे क्षत्रिय राजा हो गए, हमारे कुल में भी बड़े महान राजा हो गए, आपने सिर्फ और सिर्फ हरिश्चंद्र का ही क्यों नाम लिया? और हे नारद जी, आपने तो सभी सभाओं का मुझे वर्णन किया, ब्रह्मा जी की सभा, वरुण जी की सभा, इंद्र की सभा, कुबेर की सभा, आप सब जगह जाते हैं, तो जब मेरे आप पिताजी को भी मिले होंगे पांडु को, तो पांडु ने क्या संदेश दिया है? तब नारद जी ने कहा, अयोध्या के राजा थे त्रिशंकु और अयोध्या के स्वामी थे और वहां के कुल गुरु विश्वामित्र थे, उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था, जो कई कई कुल में उत्पन्न हुई थी, कई कई की पूर्वज थी, उसी कुल में आई थी, और त्रिशंकु के संतान जो थे वही साक्षात राजा हरिश्चंद्र होने गए, हरिश्चंद्र सम्राट बने गए, सामर्थ्य से, चरित्र से सब राजा उनके सामने सर झुकाए खड़े हो जाते हैं, और हरिश्चंद्र ने राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया था, इसके कारण उनको स्वर्ग में स्थान मिला। कैसा उनका अनुष्ठान था? राजस्व का नाम पढ़ते लाइट आ गई। तो यज्ञ कोई करता होगा तो क्या फल मिलता होगा, सोच लीजिए। तो हरिश्चंद्र ने 5 गुना धन दिया था ब्राह्मण को, जो दक्षिणा मांगी उससे भी, और जब आशीर्वाद दिया और इतने पुण्य कर्म किए तो वहां गए, और नारद जी ने कहा, जो राजा राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाते हैं और इंद्र के साथ स्वर्ग के भोग भोगते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत रास्ते हैं। देखिए, कर्म फल जो है, कर्म फल को हम अनेक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, बहुशाखा यनंताश्च, अनेक रूप से। क्षत्रिय युद्ध में मर जाएगा, लड़ते लड़ते अपने पीठ न दिखा के तो भी स्वर्ग में जाएगा। ब्राह्मण तप से भी स्वर्ग में जा सकते हैं, कठोर तपस्या द्वारा शरीर का त्याग करेगा, उपासना करेगा, वो भी स्वर्ग में जाते हैं। वैश्य अगर नीति से, नैतिकता से व्यापार करता है, वो भी स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग ऐसे ही ब्रह्मलोक में जाने के कई रास्ते हैं, ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन आपके पिताजी अपने कर्मों के कारण ब्रह्म स्वर्ग में गए हैं, और मैं जाता था, उनसे मिला था, तब जाके उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी संतानों को आप कृपया ये संदेश दे दीजिएगा। अच्छा, कहा, क्या कहा है? युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या कहा है? बोले, पिताजी ने कहवाया है, हे पांडु, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे सभी भाई तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें समर्पित है, और तुम पांचों मिलके सारी पृथ्वी को जीतने के लिए समर्थ हो, अतः राजसु यज्ञ का अनुष्ठान करने का प्रयास करो, और तुम जैसे राजसु करोगे तो हरिश्चंद्र की तरह यहाँ आओगे। इतना ही नहीं, पिता होने के नाते मुझे भी फल मिलेगा, इसलिए आप करिए और पूर्वजों की तरह आप देवलोक में पधारे, ऐसा पिताजी ने कहा है। हल्के से नारद जी ने एक श्लोक भी कह दिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बहु विघ्नश्च नृपते क्रतुः एष स्मृतो महान, ये महान क्रतु करने, बड़ा यज्ञ करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं, छिद्राणि अस्तु तु वांछित यज्ञ ब्रह्म राक्षसाः, यू नो,
क्या कहते हैं कि इसमें बहुत विघ्न की संभावना तो होती है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है वो यजमान के छिद्र को ही ढूंढता रहता है। हमने तो यहां तक सुना है, नारद जी कह रहे युद्धम च क्षत्र शमनम पृथ्वी क्षय कारणम किंचिदेव निमित्तम च भवति अत्र क्षयावहम। मैंने ऐसा भी सुना है इसका अनुष्ठान होने पर कोई व्यक्ति, कभी कभी ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसे निमित्त बन जाता है जिसके कारण पृथ्वी पर, उसके निमित्त बनने से पृथ्वी पर महाविनाश की परिस्थिति खड़ी हो जाती है। इतना विनाशकारी युद्ध होता है कि पूरे क्षत्रियों का संहार हो जाता है और भूमंडल का संहार होता है और खून की नदियां बह जाती, ऐसे निमित्त अब यज्ञ करने वाला बन जाता है। एतत् संचित्य राजेंद्र, ये भी सोच लीजिए राजा, यत् क्षेमं तत् समाचर, आपको जो ठीक लगे, आपको जो हितकर लगे उसका आप अनुष्ठान करिए। अप्रमत्तोत्थित, आप करो तो भी सावधान रहेंगे और परिश्रम करके आपको इसका काम करना है, ऐसा कह दिया नारद जी ने और कहा, आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा संसार में आप कल्याण हो, आप आनंद से जिए, आप ब्राह्मणों को हमेशा तृप्त रखे, संतों के हमेशा आशीर्वाद लेते जाइए। तुमने जो मुझसे पूछा था वो सब विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया और मुझे जो आपसे बताना था एक राजा पुत्र के नाते, मैंने आपको भी सिखा दिया कैसे राजा का व्यवहार करना है। अभी मैं अपृच्छे त्वाम गमिष्या, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर नहीं पूछना है तो मैं द्वारिका जाऊंगा। दर्शारहा नगरीम गच्छामि, मैं द्वारका जाऊंगा और भगवान से दर्शन करना चाहता हूं। वहां से नारद जी फिर चले जाएंगे और बाद में युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ का विचार किया। देखो ये हम हमारा अनुभव कह रहे हैं, ठीक है, तो शास्त्र में लिखा है कि बड़ा अनुष्ठान करने पर, अग्नि का इतना बड़ा अनुष्ठान करने पर ब्रह्म राक्षस हमेशा छिद्र ढूंढते रहते और ऐसे निमित्त हो जाते हैं कि पृथ्वी में प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है, विनाश इतना हो जाता है, हमने देखा है। आप, मैं व्यक्तिगत मानता हूं, शायद सहमत हो या ना हो, और विद्वान का मत अलग भी हो सकता है, अग्नि कार्य में मर्यादा का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जो दैव आर्ष कार्य है वो सत्य है, ऋषियों का दिया हुआ है, वेद भगवान, वेद का निश्वास है, भगवान की वाणी है, तो उसमें जो कहा है उसकी आप मर्यादा रखोगे, यथा जैसे कहा है वैसे ही करोगे तो फल मिलता है, बड़े से बड़ा फल मिलेगा। यहां तक कि फल मिलता है कि जन्मेजय ने इंद्र को भी खींच लिया सर्पास्त्र, महाभारत की भूमिका में हमने देखा, यहां तक फल मिलता है कि हरिश्चंद्र वहां चले गए राजसु करके और इंद्र के साथ भोग रहे, लेकिन वह ब्रह्म राक्षस हमेशा छिद्र ढूंढते रहते, तो बड़ी सावधानी से। इट इज लाइक न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट होता है तो उसमें अणु को तोड़ेंगे तो बड़ी ऊर्जा निकलेगी, लेकिन अगर गलती हो गई तो विनाश भी महान होता है ना। एटॉमिक प्लांट हैज एडवांटेज, इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी बट इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम जापान में दो चार ऐसी घटना घटी है, रशिया में भी घटी, हजारों लोग मर गए बेचारे, और जापान में तो अभी सुनामी आए तब की घटना चालू है, उसके पहले बॉम्ब हुआ हिरोशिमा नागासाकी वगैरह। तो यज्ञ कार्य में ऐसा है, हमने तो देखा है। कहीं कहीं लोग अंश ना समझ में, आजकल एक ऐसी फैशन है कि समूह में करना है, बड़ा करना है, हजार कुंडी, 100 कुंडी 200 कुंडी, और फिर यजमान में कितनी शुचि है वो कोई नहीं देखता।
पुरोहित में कितनी शुचि है वो कोई नहीं देखता, मंत्र में क्या शुचि है वो कोई नहीं देखता, उसके भाव में क्या शुचि है कोई नहीं देखता, उसके द्रव्य में क्या शुचि है वो कोई नहीं देखता, हमने उसके विपरीत फल देखे। गुजराती में के कागलू बेसून डालू पड़ू जो है, आई थिंक वो आदमी ने ऐसा किया इसीलिए वो मरा, ऐसे हमने दो तीन लोग को मरते हुए देखा। हम सोचे में 1000 कुंडी का यज्ञ लगवा लिया, 6 महीने में मर गया, देवी का यज्ञ था। और आजकल यज्ञ बहुत होते हैं, फल नहीं मिलता है। क्यों? दैव कार्य है, शुचि होनी चाहिए। किसी को पैसे वाला जो है उसको यजमान में बिठा देते, स्नान किया, मुंह शुद्धि की, वो ब्राह्मण भी ऐसा हो जाता है कभी कभी जो उसका पुरोहित बैठा है, और वो अभी अपने बच्चे के साथ आसक्ति से ही बैठा है पोते को गोद में लेके उसको खिला दे, पोते को खुश करने बैठा है, ये भगवान को खुश नहीं करना। तो फल नहीं मिलने का भी देखा और मिलते हुए हमने स्वयं अनुभूत किया। हमने जो जो संकल्प किए, विशेषतः मंदिर के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा में भी आप में से कई लोग थे, नीपा तो थी ही थी, दीपक और नीपा मुख्य लोग, पंकज भाई थे, वर्षा काकी थे, और इस बार 20 साल बाद पुनः 18 साल बाद पुनः प्राण प्रतिष्ठा फल मिल गया। तो संकल्प से किया, हमने वो शुचि रखी थी, ब्राह्मण भी ठीक से रखे थे, उनको दक्षिणा भी अपेक्षा से 2 गुना दी थी, और हर चीज द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, भाव शुद्धि करके करो, तो इस बार भी मिरर टूट गया हमारा। 18 साल पहले पूज्य स्वामी जी के हाथ में था, रानी भी आई थी कनाडा से, उसको लाभ मिल गया प्रारब्ध के वशात। कई लोग ऐसे ही मिल गए जो आगे बैठ गए, हरित सिंह जी थे, कई जो अभी क्लास में है उनमें से कई लोग थे। लेकिन वैदिक कर्म ऐसा है, अगर आप उसकी मर्यादा से करोगे तो उसका फल अवश्य ही मिलता। मर्यादा में छिद्र में गए तो उसका उल्टा फल। तो आपसे भी मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन में कहता हूं, मैं कभी आज्ञा व्याज्ञा देने में मानता नहीं हूं, इसलिए कि ऐसे समूह में यज्ञ करने का संतोष मत लिया। लोग ऐसा मानते हैं कि 100 कुंडी यज्ञ किया हम बैठ जाए उधर, सिर्फ 2000 देना है, 5000 देना है, यज्ञ हो गया, इतना बड़ा यज्ञ मैंने कर लिया, लेकिन उसका फल नहीं। जब तक आप उसकी शुचि, पुरोहित की शुचि, द्रव्य की शुचि, मंत्र की शुचि, भाव की शुचि, चरित्र की शुचि सब चाहिए। हमारे वहां मर्यादा का बहुत आदर किया है। देखिए, भगवान राम को भी जब दूसरे दिन युवराज का तिलक करना था तो वशिष्ठ जी ने दीक्षा दी। यहां भी लिखा युधिष्ठिर ने उपवास किए, व्रत किए, बाद में गादी पे आरूढ़ हुए। तो ये जो कहा है नारद जी ने बिल्कुल सही है, उसमें एक आदमी का भाव गलत हो, एक आदमी ने कुछ गलत कर लिया तो ब्रह्म राक्षस छिद्र से घुस जाता है, और विपरीत फल राजस्व यज्ञ का कहां तक मिला, नारद जी ने हल्के से बोला है, युद्धम च क्षत्र शमनम पृथ्वी क्षय कारणम, पृथ्वी के क्षय का कारण बन गए, किंचिदेव निमित्तम च, ऐसा कुछ निमित्त बन जाता है। अब सोच समझ के करिए, जब राजस्व यज्ञ करने वाले की महिमा सुनी, ये लोग हमारे मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, हमारे राजकोट का एक राजा है, उसने अभी राजस्व यज्ञ किया, ये राज तो है ही नहीं, कहां से राजस्व यज्ञ किया तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा राजस्व यज्ञ हुआ। ठीक है, निमित्त से हुआ, उसको संतोष हुआ, उसने करा लिया, लेकिन राजस्व यज्ञ करने वाले और कराने वाले क्या खुद युधिष्ठिर सोच में पड़े? कृष्ण भगवान की सलाह लेते हैं और यहाँ क्या भगवान कहते हैं हम देखेंगे आगे।
अभी तो राज ही नहीं रहा तो राजस्व कहां से होता है मुझे समझ में नहीं आया। और उनका जब पूर्णा होती थी तो हम दो को आशीर्वाद संतों को बुलाए थे, संतों में एक मुझे आशीर्वाद देना था और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री को थे, दोनों के आशीर्वाद थे। तो जब मुख्यमंत्री आए काफी राजा आए थे, करीबन 80-100 राजा लोग आए थे, बड़ी बड़ी लगा के दरबार माला बाला बड़ी पहन के वो बीटी बीटी लगा के तलवार लेके आए थे सब, किसी के पास राइफल नहीं थी तलवार लेके आए। मुख्यमंत्री आए तो 40 कमांडो AK-56 वाले तलवार क्या काम। तो हमने कहा अभी दो राजा का मिलन है, एक भूतपूर्व एक वर्तमान। तो एनीवे तो युधिष्ठिर के मन में महिमा सुनकर पुण्य लोग प्राप्त होते हैं तो उसके मन में राजस्व यज्ञ की इच्छा, यजवानम यज्ञम अर्हतुम राजस्वयम ये सहा, उसके मन में इच्छा हो गई कि मैं राजस्व यज्ञ कर लूं। और बार बार उसके मन लग रहा था उसमें कि मैं करूं। उसने अपने धर्म का चिंतन किया कि मैं यज्ञ क्या संकल्प से करूं, सिर्फ मेरे स्वार्थ से करूं। तो बोले नहीं, संपूर्ण लोक का हित का ऐसे हो उसमें भी ध्यान देने लगे राजा, और यज्ञ का भी मन जाने लगा, सबका सम्मान रूप से वो हित करने लगे। और युधिष्ठिर कैसा है, कैसे थे, क्या लिखा है, अनुग्रहण प्रजा सर्वा सर्व धर्म भृतांबर, धर्म को धारण करने में सर्वश्रेष्ठ थे, धर्म भृतांबर युधिष्ठिर सब प्रजा के ऊपर अनुग्रह करते थे, अविशेषेण सर्वेशां हितम चक्रे युधिष्ठिर, कोई भेदभाव न होने रख के सबके हित के लिए प्रवृत्त थे, सर्वेशां दीयतां देयम, सबको जो देना था वो देते रहते थे, और सेवकों को कह दिया। और कैसे थे सुधीर युधिष्ठिर, क्या लिखा है, क्रोध और अभिमान से रहित थे, बड़े विनम्र थे, उनके मन में कभी क्रोध नहीं था और विनम्रता थी। ऐसा कह के कह दिया, सारी जनता को पालन करना हमारा ऋण चुकाने बराबर है, हमको ऋण चुकाना आप जो चाहिए दे दो। और ऐसा व्यवहार देख के जनता उनको अपना पिता मानने लगी, एक पिता की तरह वो व्यवहार करते थे, उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं था पूरे राज्य में। पितरी इव आश्वासहज आश्वासन जना, पिता की तरह उन पर विश्वास करते, न तस्य विद्यते द्वेष था, उनके ऊपर द्वेष करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनका नाम पड़ गया वहां से क्या, ततः अस्य अजात शत्रु था, उनका नाम हुआ अजात शत्रु युधिष्ठिर। ओके, ऐसे थे, जनपद कला शून्य थे, सर्वधर्म परायण थे, उन्नतिशील थे, वहां समय समय पे वर्षा होती थी, अर्जुन द्वारा शत्रुओं का संहार दमन था, सब था। राजा के सुप्रबंध से यज्ञ की सामग्री, देखो यहाँ लिखा है गोरक्षा खेती और व्यापार, जब तीन की उन्नति होती है तब राज्य की उन्नति होती है आर्थिक रूप से, तीनों की वहां उन्नति होती रहती थी। वर्धसी यज्ञ सत्वानी गोरक्षणम कर्षणम वणिच, यज्ञ की सामग्री में विकास था, गोरक्षा में था, कृषि में था और व्यापार में था। उतना ही नहीं, निर्धन प्रजा जो थी, गरीब थी, किसी को व्यापार में तकलीफ हुई वगैरह, पिछले वर्ष का टैक्स वापस माफ कर दिया जाता था, वसूल करने के लिए राजा के सेवक कभी पीड़ा नहीं देते थे, यहाँ लिखे हैं अक्सर प्रजा अपने आप ही दे देती थी, प्रजा में धर्म परायणता इतनी थी कि हमें टैक्स देना चाहिए, वो मानसिकता थी, चोरी की भावना नहीं थी, लुटेरे ठग और ऐसा कभी सुनाई नहीं जाता था, आपस में सारी प्रजा किसी से वंचना या मिथ्या व्यवहार नहीं करती।
दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने के लिए अपने आप उपार्जित धन रत्न की भेंट लेके अपने आप चले आते, ऐसा उसका राज्य था। युधिष्ठिर के राज्य की ख्याति सर्वत्र फैल गई और बस पिता की गोद में जैसे पिता की छाया में संतान अपने आप को विशेषता सिक्योर फील करते हैं, सलामत फील करते हैं, उसी तरह प्रजा अपने आप को मानने लगी। मन में वो राजसूय यज्ञ का कीड़ा बैठा ही था। एक दिन मंत्रियों भाइयों सबको बुलाकर युधिष्ठिर ने पूछा, समंत्रिण समान बुलाए, भ्रातृं च वदताम वरः, बोलने में कुशल। युधिष्ठिर ने कहा, पुनः पुनः अपृच्छत् राजसूयं प्रतीतः, राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा उन्हें। जब उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने तो सबने कही, हे महाराज, राजसूय द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता, देवता समान बन जाता है, इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुण पाने की अभिलाषा रखता है, सम्राट बन जाता है। आप तो सम्राट के गुण पाने के योग्य भी है और आप में है भी बहुत सारे गुण, अतः आपके हितेशी सुहृद द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाना, आपको मदद करना या ये उचित अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा हम सब मानते हैं। वर्णन किया, महाराज आप यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं, हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं, जो और आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, इसलिए संकल्प कीजिए। आगे कहते हैं, किसी प्रकार से असमंजस हो ऐसी सोच न करके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में ही अपना मन लगाइए। सुहृद लोग, भाई और मंत्रियों के ऐसे भाव सुने, राजा ने में भी अपनी सम्मति प्रकट की। मनी मन उसने ग्रहण किया और सुहृदों का सम्मति वचन सुनकर अपने साध्य के लिए बारंबार वो मन में विचार करने लगे। महर्षियों को बुलाए, मंत्रियों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए, डिटेलिंग जिसको कहेंगे, कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया, डिटेलिंग के लिए करने लगे। अभी जब सबने कहा अब सम्राट के योग्य हैं, आप बताइए, मेरे मन में अभिलाषा हुई है, तो क्या करूं मैं, सबने युधिष्ठिर से कहा, आप करने के लिए सर्वथा योग्य हैं, भाइयों ने भी आपका आदर किया है, इसलिए आप करें। जो बुद्धिमान मनुष्य अपनी शक्ति और साधनों को देखकर, देखिए निर्णय कैसे किया जाता है, अपनी शक्ति संसाधन देश काल आय व्यय और सबको बुद्धि भली भांति सोच के कार्य का आरंभ करना चाहिए। देश भी इंपॉर्टेंट है, कहां कर रहे हैं, काल भी, कभी कभी प्रारब्ध उल्टा चलता है, तो जिसको गुजराती में कहें ना, हारे जुगारी बमणू रंग, जब प्रारब्ध ठीक चलता था तब वो जो खेला वो मिल गया। काल अगर गलत है तो वो भी समझना चाहिए कि काल मेरे लिए ठीक नहीं, देश ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं, ये मेरा संसाधन इतने ही है मेरे पास, इतनी मर्यादा है, ये सब सोच के समझ के जो आर्यम करता है वही आदमी कभी कार्य के बारे में कष्ट में नहीं पड़ता। विमृश्य च सम्यक धिया कुर्वन प्राग्नः न सीदति, विचार बुद्धि से करता है वो कभी शोक में नहीं। क्या है, सामर्थ्य योगम देश कालौ व्ययागमौ, सब सोच लेना चाहिए और यत्न पूर्वक कार्यभार करने के लिए आप पूर्ण निश्चित हैं, आप करिए। जब सबने ऐसा कहा, युधिष्ठिर ने सोचा, सनिश्चयार्थम कार्यस्य
कृष्णस्य कृष्णमेव जनार्दनम सर्वलोकात् परम मत्वा जगाम मनसा हरि। जगाम पहुंच गए, मन से युधिष्ठिर कृष्ण के पास पहुंच गए। कौन थे? जनार्दन थे। सर्वलोकात् परम हरि के शरण में गए। अप्रमेयम महाबाहु कामात् जातम अजम दृशु। अप्रमेय थे, अजम जिनका अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं है, धर्म एवं साधुपुरी की रक्षा के लिए स्वयं जन्म ग्रहण किए हैं, ऐसे कृष्ण जो सबसे पर है उनके पास मन पहुंच गया और उन्होंने कहा, अपने आप में सोचा, नास्य किंचित अविज्ञात। कृष्ण के लिए कुछ भी न जाना ऐसा नहीं, अविज्ञात नहीं है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कृष्ण न कर सके। न किंचित अकर्मजम, कोई कार्य न कोई न जान सके ऐसा भी नहीं है। अप्रमेय है, महाबाहु है, अपनी स्वेच्छा से जन्म लिया है कृष्ण ने लोगों का कल्याण करने के लिए, ऐसे कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया। न च किंचित न विषयेत इति कृष्णम अमन्यत। असह्य कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, उस तरह से उन्हें सर्वशक्तिमान माना और कुंती नंदनों गुरुजनों से आज्ञा ली कि मैं इस विषय में कृष्ण की अनुमति लेने चाहता हूं, उनसे विमर्श करना चाहता हूं। आप मर्यादा देखिए, ब्राह्मणों की अनुमति ली, आप अनुमति दे तो मैं उनको बुलाऊं। स्वाभाविक था, वो तो एक फॉर्मालिटी थी, लेकिन मर्यादा, उन्होंने अनुमति दी। शीघ्रगामी रथ लेके दूत को भेजा। दूत ने कहा, हे ऋषिकेश, दूत पहुंच गए, धर्मराज युधिष्ठिर एवं धौम्य आदि महर्षियों द्रुपद विराट आदि नरेश अपने समस्त भाइयों के साथ आपके दर्शन की आकांक्षा रखते। क्या मर्यादा से कहते, सीखना है ना, इतनी अमन्य है। भगवान स्वयं भी दर्शनाभिलाषी थे, युधिष्ठिर के यहां लिखे दर्शन कांक्षिणम पार्थम दर्शन आकांक्षया अच्युत। पार्थ दर्शन कांक्षी था, कृष्ण कैसे दर्शन आकांक्षया अच्युत, पोते भी वही थे, उनको भी इच्छा थी, प्रेम था तो भागे सीधे रहते। उनके घोड़े बड़े तेज से चलने वाले थे और पहुंच गए शीघ्र। वर्णन है, सगृहे जब पहुंचे युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ गतम पार्थम अभ्यगच्छत जनार्दन। पार्थ लेने गए और घर में उनको कैसे सम्मान दिया, गृहे पितृवत भ्रात्रा धर्मराजे न पूजित। धर्मराज ने पिता की तरह भ्रात्रा सह सभी भाइयों के साथ उनकी पूजा की। उनके बाद भीमसेन ने पूजा की, पांडवों ने पूजा की, बाद में कृष्ण भगवान अपनी बुआ कुंती पे पास गए। भगवान देखो, मनुष्य अवतार में कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, वहां जाके कुंती के चरणों में मत्था टेक, चरणों में लिखा है और इतना ही नहीं, और कुंती ने इतने अर्जुन से मिले भगवान, कहते हैं प्रीत प्रीते न सुरदा रेमे सहित स्तुता। जो प्रेमी प्रेमी को मिलता है, सुरत सुरत को मिलता है, उस तरह से मिले, प्रसन्न हुए और कुंती माँ ने मत्था सूंघा, आशीर्वाद दिया। फिर बैठे विश्राम करके युधिष्ठिर ने कहा, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता लेकिन न चाहो केवल इप्सया सिद्धति, इच्छा होने मात्र से कर्म सिद्ध नहीं होता है, ये पूरा करने के लिए उसके उपाय चाहिए, उसमें सामर्थ्य चाहिए, तो जिसमें सब कुछ संभव हो तब हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं, आप मेरे सब सुरुत होकर एकत्र हुए और वे सब मुझे राजसूय यज्ञ करने का कह रहे हैं, लेकिन
राजसूयम सुरदह कार्यम आहु समेत्य, सब इकट्ठे होके कह रहे करो, लेकिन तत्र में निश्चित तमम तव कृष्ण गिरा भवे, तव गिरा आपकी वाणी आपका वचन निश्चित तमम भवे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। इन्होंने जो कुछ भी कहा, कुछ लोग देखिए समाज में कैसे लोग हो गए, केचिद्धि सौहृदात एव न दोषम परिचक्ष, कई लोग प्रेम संबंध के नाते जुड़ते हैं लेकिन अपने प्रेमी प्रेम के कारण अपने में दोष नहीं देखते, उनको प्रेम होता है ना, त्रुटियां नहीं देखते, और देखते हैं तो बताते नहीं, उसको हमेशा अच्छा दिखेगा, हर माँ को अपना बेटा अच्छा देखे, त्रुटियां दिखेगी नहीं, और कभी दिखेगी तो बताएंगे नहीं। दूसरे लोग स्वार्थ है तो हो तथा, कई लोग स्वार्थ से होते हैं, प्रियम वदंती प्रियमेव परिप्सन्ते, कुछ लोग अपने हित के लिए हितकर बनते हैं और अपने को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं, इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर लोग भिन्न भिन्न बातें करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से संबंध रखते हैं। त्वं तु हेतु नतीत्येत, आप सब इससे पर ऐसे हेतु, मतलब आप मेरे से निष्काम भाव से प्रेम करते और आपको कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन इतना ही नहीं स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप स्वार्थ के प्रेम के कारण अंधे भी नहीं, स्नेह के वश आप मेरे में दोष, मेरे स्नेह कर रहे हो लेकिन मेरे दोष भी जानते हो, मेरी मर्यादा भी जानते हो, मर्यादा कहो भी, और आप काम क्रोध से रहित अपने स्वरूप में स्थित हैं, इस लोक में मेरे लिए जो योग्य और उत्तम हो उसे ठीक ठीक सुनाने की। देखिए इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी, जहां हम अपनों के पास होते हैं ना तो सब्जेक्टिव बन जाते, हम भला मतलब दोनों साइड से विचार कर नहीं सकते, उसकी मर्यादा देख नहीं सकते, और हमेशा अपने स्वजन का अच्छा ही सोचते हैं तो हमेशा कुछ अलग ही बोलते हैं, वास्तविक नहीं बोल सकते, तो हमेशा किसी बुजुर्ग से पूछना चाहिए, गुरुजनों की मर्यादा में रहना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था वेद में लिखा, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्म का मास्यु, मैं बताऊंगा गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही दिमाग में आ रहा है क्या बोलना, तो यही बोलना है। तो जब इन्होंने कहा, निपा ने कहा कि शाम को कुछ बोलना है, सुबह माता जी ने कहा सुबह देना है, तो मतलब क्या बोलेंगे, इतना तो रोज बोलते हर हफ्ते पढ़ाते, तो तब से लेते नहीं ये बताएंगे, तो किसी और से पूछा करो, किसी की सुना करो, जिंदगी में वो जो कहे वो करना है। कृष्ण से कहा उन्होंने, भगवान के प्रति युधिष्ठिर का क्या भाव है, लेकिन एक चीज आपने देखी, युधिष्ठिर का ऐसा भाव होने पर भी भगवान बड़े भैया होने पर उनको प्रणाम कर, और युधिष्ठिर प्रणाम करने भी देते और आशीर्वाद भी देते, मर्यादा का पालन होने से। कृष्ण भगवान सिखाते, भगवान ने कहा, सर्वगुण ही महाराज राजसूयम तुम अर्हसि, राजसु के लिए योग्य, यज्ञ करने के लिए जो गुण चाहिए वो आप में है और आप राजसु के लिए योग्य हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने जब पूछा है तो मैं थोड़ा बता दे, आप स्वयं विद्वान है। देखिए ये बड़ी संभाषण कैसे करना दूसरों के साथ, अभी हम पूरा सुनेंगे। कृष्ण भगवान ने जो युधिष्ठिर से कहा वो युधिष्ठिर ने सोचा ही नहीं था, फिर भी ऐसा कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन जरा
आपने जब कहा है तो मैं कह दू थोड़ा बहुत मेरी राय बता दू। जमदग्नि परशुराम ने, जमदग्नि संतान परशुराम ने, जमदग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में क्षत्रिय का संहार किया था। तब क्षत्रिय छुप छुप के वहीं चले गए। उस समय के जो क्षत्रिय थे बड़े सामर्थ्यशाली थे। ऐसे आप हो, आप में ऐसा सामर्थ्य, आजकल थोड़े ऐसे नहीं रहे, ऐसा कह रहे हो। जब कृष्ण भगवान के काल में नहीं थे, अभी कलयुग तो तब से आ गया, तब कैसा होगा पता नहीं। कलयुग में गुरु आज कहते हैं कि पुरुरवा और इक्ष्वाकु के वंश में नरेश आजकल सब है, उनके 100 कुल विद्यमान है। जो क्षत्रिय हैं वो सब इक्ष्वा उस टाइम के 100 कुल थे, आज कितने कुल होंगे, लेकिन उनका मूल वहां है। आजकल ययाति के कुल में पैदा हुए गुण की दृष्टि से भोजवंशीय राजा अधिक विस्तार में। अच्छा, भोजवंशीय चारों दिशा में बढ़कर फैले हैं और उन्हीं वो क्षत्रिय धन संपन्न है, संपत्ति संपन्न। अभी देखिए हल्के से टर्निंग मार रहे भगवान। अभी अभी भूपाल राजा जरासंघ उन समस्त क्षत्रिय कुलों को राजा लक्ष्मी को लांग कर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वो अपने बल और पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजा का सिरमौर बैठा। क्या आपने उसके बारे में सोचा? दल कैसे जरासंघ मध्य भूमि का उपभोग करते हुए उसकी स्टाइल क्या है, दोनों से ठीक बनाना, लेकिन परस्पर फूट डालने की नीति करता है, इसका इधर का उधर, उधर का उधर। इस समय वही सबसे प्रबल और सबसे उत्कृष्ट राजा है। बहुत सारा भूमंडल और राजमंडल उसके वश में है। अपनी युक्ति और बल से सम्राट बन के बैठ रहा है। प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंघ का आश्रय लेके उसका प्रधान सेनापति है। माया युद्ध करने वाला है महाबली कुरुशराज दंतवक्त्र भी जरासंघ के सामने उसके शिष्य की तरह बैठा है। और उनको जरासंघ के मित्र गिनाते बलाबल। विशालकाय अन्य दो महापराक्रमी योद्धा है हंस और डिंब, वो जरासंघ की शरण ले चुके हैं। देखिए हमने कई सालों पहले एक लड़की का नाम सुना डिंबक, तब हमें लगा कि ये क्या नाम बना है। अभी समझ में आया कि डिंबक है वंश की डिंबक। आजकल नए नाम चाहिए ना, किसी का ना हो ऐसा नाम चाहिए। एक बार एक महिला मेरे पीछे पड़ी थी कि स्वामी जी नाम दो मेरी बेटी का। हमने 2-3 दिए, मतलब परंपरागत नाम, थोड़े अर्थ समर होने चाहिए नाम, ऐसे नहीं होने चाहिए जो कान को अच्छे लगे। तो हमने दिए तो कहीं ये नहीं कोई ऐसा दो किसी का ना हो ऐसा दो। मेरा दिमाग गया, मैंने ऐसा कर कई कई रख ले किसी का नहीं। फिर बोलते कि नहीं नहीं ऐसा तो कैसे रख सकते, तो अच्छा तो मैंने सुरपड़का रख लिया। नाम नया ही चाहिए, सुरपड़का रखे ही बहुत अच्छे नाम है। हिडम्बा बहुत अच्छा नाम है रख लिया। एनीवे कमिंग बैक टू दिस डिम्ब, और उसका बहुत वर्णन है, वो किसी से मरने वाले नहीं, बड़े समर्थ थे, उसके सेवा में थे जरासंघ के। कुरुष देश का राजा दंतवक्र करब और मेघवाहन अपने मुगट में मणि धारण करते हैं, लेकिन उनको उनके सर जरासंघ के चरण में। मूर और नरक नाम के देश के राजा भी, सेना जिसकी अनंत है वो भी उसके पास है। यवन के अधिपति राजा भगदत्त भी वाणी और क्रिया द्वारा जरासंघ के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं। वो स्नेहपाश तुमसे रखते हैं, वो आपके पिताजी के मित्र थे,
आपके प्रति पुत्र बहुत भाव है, लेकिन जब सैन्य की बात आती है तो जरासंध से कुंती भोज है और पुरुष भोज है, पुरुषित है आपके प्रति दक्षिण के लेकर दक्षिण तक के तट के भाग पर शासन करते हैं, वो आदर का भाव रखते हैं, लेकिन मन तो है। जैसे मैंने पहले मारा नहीं उपेक्षावश छोड़ दिया, तो उसकी बुद्धि खोटी थी, पर वो चेदी देश का राजा जो कृष्ण द्वेषी है, चेदी देश का एक राजा था, वो अपने आप को पुरुषोत्तम कहलाता था और स्वयं कृष्ण की तरह ही आभूषण धारण करता, पीतांबर मोरपिच सब सब आयुध भी चक्र चक्र रखता था, गदा रखता था, ऐसा था, और लोक में अपने आप को वासुदेव से प्रसिद्धि करा था, सबको मुझे क्या बोला है वासुदेव महाराज ऐसा बोला है। वो भी वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंघ से मिला हुआ है, जो पृथ्वी के एक चौथाई भाग के राजा है, जो इन जनोंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य क्रथ कौशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति जमदग्नि नंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न है, भोज वंशी शत्रुहंत राजा भीष्मक भगवान के ससुर थे, फिर भी मगध राजा के मगध है, मेरे ससुर भी, हम सदा उनका प्रिय करते हैं, उनके प्रति नम्रता रखते हैं, लेकिन सगे संबंधी है, लेकिन वो हमें नहीं अपनाते हैं, अपने शत्रु से मिलते जुलते हैं, वे अपने बल और कुल की और भी ध्यान नहीं देते हैं ना? इस प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोज वंशियों को 18 कुल जरासंघ के भय से ही भागकर पश्चिम दिशा में मेरे वहां रह रहे बच के आए हैं, और शूरसेन भद्रकार बोध शाल्व षटचर सुस्थल सुकट पुलित कुंती शाल्वायन आदि राजा भी भाइयों के सेवक के साथ दक्षिण दिशा में भागे हुए। जरासंघ से भय से पीड़ित उत्तर के राजे भी छोड़ गए। कुछ समय पहले की बात है कि व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंघ की दो पुत्रियों के साथ ब्याह किया। उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों सहदेव की छोटी बहनें थी और निस्सार बुद्धि वाले कंस ने जरासंघ के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित किया था, सबका प्रधान बेटा था, तब मैंने कंस को मार दिया, यू नो बलराम जी से की मदद करके हमने उसको खत्म कर दिया। इससे कंस का भय तो चला गया, लेकिन जरासंघ कुपित हो उठा, बदला लेने के लिए उद्यत हुआ। उस समय भोज वंश के 18 कुलों, उनके सब मंत्री, उनके सब पुरोहितों ने सब मिलकर विचार किया, यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का निरंतर आघात करेंगे तो भी दीर्घकाल तक जरासंघ को हम वश में नहीं ले पाएंगे, उसकी सेना का नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिंबा लड़की का नाम था, डिंबक उसके सहायक है, जो बल में देवताओं के समान है, और उन दोनों का ऐसा वरदान था वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकते जब तक वो स्वयं मरने के लिए ना युद्ध दो। और तीनों लोग के सामना कर रहे, मैं 17वीं बार जब मैं जरासंघ का सामना कर रहा था तो जरासंघ की सेना में एक हंस नाम के राजा था, तो हमने हंस को मार दिया, तो सैनिक लोग चिल्लाने लगे हंस मरा हंस मरा हंस मरा। हंस का भाई जो डिंबक था उसने सुना कि हंस मर गया, इतना व्याकुल हो गया कि सीधा यमुना जी में जाके कूद के मरा, सुसाइड कर लिया। वो वर्णन भी उधर भी है, महाभारत काल में भी सुसाइड होते थे तो बोले यमुना जी में चला गया, सीधा मर गया। जब वो मर गया फिर तो डिंबक मरा बात चली, तो सच्चा जो हंस था उसका भाई जो नहीं मरा था उसको शोक, वो भी मरा तो इसीलिए
हाँ उससे देह इस प्रकार डिंबक की मृत्यु हुई और हंस भी मरा, दोनों की मृत्यु सुनकर राजा जरासंध जरा हताश हो गया, क्योंकि वरदान था कोई मार नहीं सकता अस्त्र शस्त्र, इसलिए उत्साह शून्य उदय से राज ने लौट गया। 17वीं बार देखिए राजा भगवान कैसे राजा थे, जरासंध के राज्य में क्या चल रहा है वो उनको मालूम था, वो अभी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। क्या था उस समय, इस प्रकार जब लौट के आ गया और निरुत्साह रहते हो गए, हम लोग मथुरा में आनंद से जीने लगे, तब अपने पति के मरण के शोक से दुखित अस्थि और प्राप्ति रोज अपने पिता को ताने लगाने लगी, आपको हमसे प्यार नहीं, हमारा पति मर गया तभी दुश्मन घूमता है, वो कैसा आनंद कर रहा है, वो देखो मजा कर रहा है, आप कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, तो उसको उकसाने लगी, पति के घातक को मार दो, पति के घातक को मार दो। हमने उस गुप्त मंत्रणा को जान के हम सब उदास हुए, फिर हमने मथुरा, हमने फिर मीटिंग बुलाई 18 कुलों की और फिर तय किया मथुरा से भागो। राजन उस समय हमने निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति पृथक पृथक बांट दी जाए, थोड़ी 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 करके पुत्र और भाइयों को लेके शत्रु के भय से हम भाग चले और पश्चिम की दिशा में हमने शरण ली। रैवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली पुरी में अर्थात द्वारिका में हम निवास करने लगे और कुशस्थल का दुर्ग हमने ठीक बनाया, इसके वर्णन है, किला हमारा कैसा था, दुर्ग कैसा था। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं, आहु के 100 पुत्र हैं, जिनमें एक एक देवता और समान पराक्रमी है, और कृष्ण कहते हम 7 अतिरथी हैं। क्या है, चारुण देशन चक्रदेव सात्यकी मैं बलराम जी सांब और प्रद्युमन, अहम च रौहणेयस्य सांब प्रद्युमन एवच एवं अतिरथाः सप्ता। ठीक है, बाकी तो कृतवर्मा और अनाग दृष्टि समीक समितिंजय कंक इत्यादि महारथी है और महारथी में 10 है, सब संख्या बताते हैं, ऐसा है सब है। और दूसरा भी आप See, this is how राजनीति, you know, they think, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से मंत्री है हमारे, हम आपके पास कौन है, और ये कह रहे हैं आपको दुर्योधन भीष्म द्रोण अश्वत्थामा इत्यादि संग्राम में जीते बिना उनको आप कैसे यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपका गौरव मानकर स्वजन होने के कारण आपसे युद्ध नहीं करेंगे वो, इसलिए आप निश्चिंत रहे उनसे। और जब उसने जरासंघ ने राजाओं को कैद कर रखा है गिरिव्रज में, जब तक जरासंघ जीवित हैं इतनी मर्यादा से कहते हैं ये मेरी मति है, मतिर मम, कि राजन ऐसा मतिर मम है, राजा मेरी मति है, क्या न तो शक्यम जरासंगे जीव माने राजसुस्त्वया आप्त हुआ। जब तक जरासंग जीवित है तब तक आपके लिए राजसु यज्ञ करना संभव नहीं है। उतना ही नहीं, उसने 100 जितने राजाओं को घेर कर करके रखा है पर्वत की गुफा में, गिरिव्रज में रखा है, और वो राजाओं को बलि देकर एक बड़ा यज्ञ प्राप्त, उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी तो कितना सामर्थ्यशाली हो जाएगा, बलि के नर बलि देना है, और हम तो मथुरा के भय छोड़ के उसके भय से द्वारिका चले गए और अब तक वही निवास करना है कर रहे हैं, अगर आपको यज्ञ करना है तो राजाओं को भी छुड़ाना पड़ेगा, तो कैदी के रूप में बैठे हैं, ऐसे किए बिना राजसूय का आयोजन पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इत्येषा मे मति राजन यथा वा मन्य से अनग, आपने जो पूछा
आप स्वयं युक्तियों द्वारा निश्चय करके बताएं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। नाउ कृष्ण इज टॉकिंग एज अ ब्रदर, लेकिन मेरी मति युधिष्ठिर ने कहा आप जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, आपने जो बात कही है वो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है, उसके इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला संशयानाम निर्मोक्ता नत्वतन्यः अस्ति भूमि भूमि विद्यते भूमि, कोई मेरा संशय दूर करने वाला नहीं है। आजकल तो गृहे गृहे ही राजा ना, घर घर में राजा बन स्वस्य स्वस्य प्रियंकर छोटे छोटे बन गए बन गए। जब आपने सौराष्ट्र में रजवाड़े थे ना, एक सुनने सारे 175 थे, सम्राट की पत्नी कठिनाई से मिलती है, दूसरों का प्रभाव जानना वो अपनी दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भाई जी वो प्रशंसीय बनता है, तब उसकी पूजा होती है। मैं तो कृष्ण ने ऐसा वर्णन किया संचय होने वाला नहीं मन में तो कह दिया सममेव परम मन्ये, समधम मनोनिग्रह को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, समात समात क्षेमं भवेत् मम, सम से मेरा कल्याण होगा। इसलिए राजसु के यज्ञ का आरंभ करने पर भी फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है, ये मेरी धारणा है। इसलिए ऐसा कोई श्रेष्ठ सर्वविजयी तो हो नहीं सकता मुझे लगता है, इसलिए जरासंघ से भय से और उसकी दुष्टता से हम भी कुशंकित रहते हैं, लेकिन इतना तो हमें मालूम नहीं था। इसी से परास्त न होने वाले प्रभु, मैं तो आपके बाहुबल के भरोसे भी जी रहा हूं जब आप ही परासंघ जरासंघ से सशंकित है, मैं उनके सामने कैसे बलवान बन सकता हूं। आपसे बलराम से भीमसेन अर्जुन से वो मारा सकता है, मारा जा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी शक्ति अनंत है। ये जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पे विचार कर रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण है, वम में प्रमाण भूत उसी सर्व कार्य सुकेश तत्सुत्रा चा ब्रवीत, आप प्रमाण है, लेकिन जब ऐसा आप डरते हो तो मैं भी डरूंगा, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि आपको डरना चाहिए, तो सर्वशक्तिमान है, मैं करूंगा चलो। तब जाके भीम ने कहा हे राजा, जो उद्योग नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, और जो दुर्बल होकर उचित उपाय के लिए सोचता नहीं है और कुछ ना करे, या तो बरवान से भिड़ जाए, दोनों मिट्टी के ढेर की तरह नाश पाते। उद्यमी होना चाहिए, लेकिन उद्यम में सोच भी होनी चाहिए, लेकिन आलस्य का त्याग करके उत्तम युक्ति से नीति से काम लेता है। कभी कभी दुर्बल होने पर भी यत्नशील आदमी बुद्धि बल से शत्रु को जीत सकता है। कृष्ण में नीति है, धर्म है, और मुझ में और अर्जुन में बल है, पराक्रम है, तो विजय हम मिल लेंगे, उसका वध का कार्य पूरा कर लेंगे। ऐसे करेंगे, भीमसेन कहता है, जैसे अग्नि की वेदी की तीन अग्नियां होती हैं उसी पर, और हे दहे यादव, हे कृष्ण, आपकी बुद्धि बल का आश्रय लेकर मैं मानता हूं युधिष्ठिर सब कुछ प्राप्त कर सकते, जिनकी रक्षा करने वाला आप स्वयं है, यू नो येषां नाथो भवान सदा, जिसके आप नाथ हैं, जो आपके शरण में है, विजय निश्चित गोविंद उसका विजय तो निश्चय ही है, आप चिंता ना करें। भगवान कहते हैं कभी कभी मनुष्य बड़े कार्य का आरंभ कर लेते हैं,
लेकिन उसके परिणाम की ओर ध्यान नहीं देता, केवल अपने स्वार्थ साधना में लग जाते हैं। विवेक शून्य लोग जो होते हैं वो वीर पुरुष नहीं कहलाते। सम्राट का पद ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु तपोबल से और राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने। उन पांचों सम्राट का ही नाम हमने सुनते आ रहे हैं। मानधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट, परंतु आप सभी गुणों से सम्राट कहने के लायक हैं। सम्राट के जो पांच गुण होने चाहिए, शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपस शक्ति ही, धन समृद्धि ही और उत्तम नीति। शत्रु विजय, प्रजापालन, तपशक्ति, धन समृद्धि और उत्तम। राजा तपस्वी भी होना चाहिए, राजा में नीति भी होनी चाहिए, धन की समृद्धि भी होनी चाहिए, प्रजा का पालन और शत्रु पराक्रम, डरना नहीं है सब। आप सब में हैं तो, लेकिन आपके मार्ग में बृहद रथ का पुत्र जरासंघ बाधक है, लेकिन वो स्थापु रत्नों के अधिपति हैं। उनको धन देकर जरासंघ की जो राजा के उपासना करते इत्यादि, 100 राजा को कछु कुछ को तो छोड़कर अपने वश में कर लिया है। दुर्बल राजा भिड़ने का साहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र द्वारा मारा जाता है तब उसका सत्कार होता है। भगवान ने निर्णय सुना दिया, क्षत्रिय जब युद्ध में मारा जाता है तब उसका सम्मान होता है, ऐसा नहीं होता बैठे गादी पे। हम द्वंद्व युद्ध में जरासंघ को मारेंगे। हे राजन, जरासंघ 100 में से उसने 100 राजा चाहिए, 86 को उसने कैद कर लिया, 14 बाकी है, केवल 14 बाकी है। उनको भी बंदी बनाने के बाद में वो क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा, उसके पहले मार। भगवान ने कहा युधिष्ठिर का प्रेम कैसा है। हे कृष्ण, सम्राट के गुण को प्राप्त करने में, पद प्राप्त करने में, मेरे स्वार्थ साधन में तत्पर होकर केवल साहस के भरोसे आप लोगों को मैं जरासंघ के पास कैसे भेज सकता, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं साहस के बल पर। भीमसेन और अर्जुन मेरे नेत्र है, भीमार्जुन उभौ नेत्रे मनोमन्ये, मेरे मन के नेत्र है जनार्दनम। और हे जनार्दन, आप तो मेरे मन है, तो मन को और नेत्र को मैं कैसे भेज सकता हूं, और उनके बगैर मेरा जीवन कैसा हो सकता है। जरासंघ की सेना, जरासंघ बलम प्राप्य दुष्पारम भीम विक्रम, बड़ी सेना है, उसको पार करना कठिन है, उसका पराक्रम भयानक है, युद्ध में सामना यमराज को भी मुश्किल है, तो फिर आप लोग वो प्रयत्न क्या कर सकते हैं। आपको खाली 3 लोग जाओगे सैन्य बगैर, उसको जीत कर कैसे वापस आओगे। यह कार्य विपरीत फल देने वाला ऐसा मुझे लग रहा है। अनर्थम प्रतिपद्यते अर्थांतरे, इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय अनर्थ की प्राप्ति होगी। अब तक हम जिसे करना चाहते हैं राजस्व यज्ञ की तरह उसकी यज्ञ की ओर ध्यान देना मुझे उचित नहीं देना है, और मेरे मन को अभी यज्ञ करने के लिए निरुत्साह हो रहा है। आपको नहीं जाना, ऐसा जब उसने कहा तब अर्जुन ने कहा, सब आगे चर्चा है। अर्जुन ने कहा कि मुझे गांडीव मिला है, न कभी खाली होने वाला वो तुनीर मिला है, यू नो, अब चिंता मत करे, रस मेरे पास है, और जिसको शत्रु को जीतने में प्रवृत्त होगा तभी वो पास होगा, तभी आगे बढ़ेगा। निर्बल है
सर्वगुण संपन्न है फिर भी क्या करेगा, पराक्रम में ही सभी गुण है, अर्जुन है ना पराक्रम। महाराज प्रारब्ध का अनुसार्थ पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है, खाली प्रारब्ध नहीं है, पुरुषार्थ करो। कोई बल से संयुक्त होकर भी प्रमाद करे, मन न लगावे तो उद्देश्य नहीं होता है, आप करना चाहिए। भगवान अर्जुन की बात का अनुमोदन करते हैं, युधिष्ठिर को ढाढ़स देते हैं, चिंता मत करो मैं युक्ति से जाऊंगा, काम खत्म करके आऊंगा। फिर वहां सबका अनुमोदन होके जरासंध की थोड़ी कथा है, उसका वध की कथा है बाद में। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अभी